अगर ये भारत पूरा बुद्ध में हो जाएगा तो क्या फायदा होगा जनता को, पूरे भारत को? भारत का वही फायदा होगा जो जापान का फायदा हुआ है, जो कोरिया का फायदा हुआ है, जो चीन का फायदा हुआ है, उन्हीं देशों जैसा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रवाद है, नेशनलहुड है, वो धम्म से आ सकता है। अधम्म से कभी भी राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। और जिस देश में व्यक्ति और राष्ट्र एक हो जाता है, जैसे हमारे भारत के अंदर व्यक्ति अलग है और राष्ट्र अलग है, तो व्यक्ति और राष्ट्र के अलग होने से तरक्की नहीं हो रही है। जब धम्म होगा तो धम्म राष्ट्रवाद सिखाता है। धम्म आपको पांच चीज़ें सिखाता है, उनकी वजह से भारत की हालत वही हो जाएगी जो जापान की है। अब आप सोचिए कि जापान में तो मुट्ठी भर लोग हैं, वो पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। अगर यहाँ सभी लोग धम्मिक हो जाएंगे, सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर मानेंगे, जो फाइव परसेप्ट है वो मानेंगे, तो आप सोचिए कि हम अगर बड़ा जापान हो जाएंगे तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे, बड़ा चीन हो जाएंगे। तो सुधीर जी कहते हैं वो जो दीप प्रज्वलित की परंपरा है वो बुद्ध रीति से आई है, तो कहाँ से आई है दीप प्रज्वलित की परंपरा, वो बताएं। देखिए, दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है कि अगर अंधेरा है तो रोशनी हो जाए। पूरी दुनिया में हर जगह दीप प्रज्वलित होते हैं, कोई भारत में अकेला दीप प्रज्वलित नहीं होता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ कोई लकड़ी जलाता है, कोई चर्बी जलाता है, कोई तेल जलाता है। पुराने समय में जो जानवर की चर्बी होती थी उसको जलाते थे। तो कहते हैं ये बुद्ध परंपरा से आई है, उसके बारे में बताएं। नहीं, ये बुद्ध परंपरा से नहीं आई है, ये बुद्ध से पहले से दीप जल रहे हैं। बेसिकली कोई कहता है कि ये बुद्ध का ट्रेडमार्क है, यही है। वहाँ जो ये परंपरा है उसका मतलब है प्रकाश जो उन्होंने फैलाया है, जो धम्म का प्रकाश है, उसको एक सिंबल में बना दिया। दीपदान या दीप उत्सव या दीप प्रज्वलित या प्रकाश उत्सव, ये सारी जितने भी संत हैं सभी प्रकाश फैलाते हैं, सभी के दीप जलते हैं। कोई इसको ट्रेडमार्क बना के और धर्म बना के अगर पैदा करता है तो बेचारा अभी नादान है। हमारी माँ जब घर में दीप जलाती है वो भी उजाला करती है, वो समझाती है, वो प्रकाश है। हमारे जो पिताजी हैं वो पूरा ज्ञान फैलाते हैं, वो भी तो दीप जलाते हैं। आप अपने छोटे भाई को जब बताते हो, आप अपने बच्चों को बताते हो, वो भी तो दीप जलाना है। और रात हो जाती है तो आग का दीप जलाते हो, उसमें तो नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। कोई इसको परंपरा अंधविश्वास में डाल के और धम्म से जोड़ के धम्म को छोटा करना चाहे तो वो व्यक्ति ही छोटा है जो इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। ये तो विश्वविख्यात चीज़ है और बुद्ध से पहले की है। सुधीर जी, आज जितना बुद्ध धर्म भारत में प्रचलित नहीं है, विदेशों में प्रचलित है, इसका क्या विशेष कारण है? देखिए, पूरी दुनिया में इसकी अच्छाई का फायदा उन कंट्रियों को मिला, वहाँ राष्ट्रवाद पैदा हुआ है। हमारे यहाँ से धम्म गया तो हमारे यहाँ से एक तरह से आप समझें कि जैसे राष्ट्रवाद का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो पैदा हुआ। लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अरे, राष्ट्रवाद क्या ईंट पत्थर को थोड़ी बोलते हैं, राष्ट्रवाद क्या किसी बिल्डिंग को थोड़ी बोलते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के जितने वादी हैं, राष्ट्र के जितने रहने वाले लोग हैं, वो सब एक होने चाहिए। वो तो एक होने का कार्यक्रम कोई चलाता नहीं। और राष्ट्रवाद जितनी उल्टी बातें हैं सब लोग करेंगे और फिर कहेंगे हम राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रवाद हैं। तो उन देशों ने जब धम्म अपनाया तो वहाँ राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे लेवल का है। जैसे चीन के अंदर राष्ट्रवाद है, जापान के अंदर है, कोरिया के अंदर है, थाईलैंड के अंदर है, वहाँ का राष्ट्रवाद उनके धम्म में आता है। जिन जिन लोगों ने वो धम्म में अच्छी बातें हैं, पांचों बातें अपनाई हैं, वहाँ ऑटोमेटिक आता है। आप यहाँ अपनाएंगे तो यहाँ जहाँ भी आ जाएगा। आप थे सुधीर राज जी, जो बुद्ध की बातों को जनता तक पहुँचाते हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।